प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज देश की ये बेटी गुहार लगा रही है, क्योंकि इस बेटी की दोनों किडनियां खराब हो गई है। गरीब परिवार का अब तक काफी रुपया लग चुका है, भुखमरी की कगार पर आया है और इलाज के भी पैसे नहीं रहे। मेरा नाम मंजुल गौर है। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब है, तो पापा ने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला था कि मेरी दोनों किडनियां खराब हैं। फिर मेरा इलाज नहीं हो पा रहा है क्योंकि पापा के पास इतने पैसे नहीं है। मेरे पापा मजदूरी करते हैं। मैंने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा है, मैंने उनसे अनुरोध किया है कि वो मेरा इलाज कराएं। उन्होंने बहुत बेटियों की मदद की, वो मेरी भी मदद करेंगे। ऐसे में इस पीड़ित बिटिया ने देश के प्रधानमंत्री को खत लिख इलाज के लिए गुहार लगाई है। आपको बता दें कि आर्थिक तंगी के कारण इस बेटी की पढ़ाई भी छूट गई है। दरअसल अलीगढ़ के सासनी गेट इलाके के आगरा रोड स्थित हरिनगर निवासी शैलेंद्र मोहन गौड़ का परिवार रहता है, जिनके चार बच्चे हैं। चारों बच्चों में से सबसे बड़ी बेटी मंशूल गौड़ के पेट में पिछले कुछ समय से दर्द होने लगा, जिसके इलाज के लिए पिता शैलेंद्र पास के ही निजी अस्पताल में ले गए, तो वहाँ दर्द की दवा दे दी और कुछ टेस्ट भी लिख दिए। टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद शैलेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि रिपोर्ट में आया कि उनकी बेटी मंशूल गौड़ की दोनों किडनियां खराब है, जिसके चलते उस डॉक्टर ने इलाज देने से इनकार कर दिया और आखिर में एम्स अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। लेकिन शैलेंद्र की माली हालत इतनी गिर गई कि वो वहाँ भी इलाज कराने में असमर्थ है। परेशानी इस तरह की, इसके दर्द उठाता था, फिर मैंने इसका अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद इसकी किडनी एक बचपन से डैमेज है और दूसरी में 2 सेंटीमीटर बढ़ गई है नॉर्मली के हिसाब से। अब मैं इलाज कराने में असमर्थ हो रहा हूँ। मेरी मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से मेरी गुहार है कि मेरी सहायता करें। मैंने सुना वो औरों की भी सहायता पहले करती आए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी तो लिख दी गई है, लेकिन क्या वाकई इस चिट्ठी पर गौर कर इस बेटी का इलाज कराया जाएगा? आप में से जो भी इस खबर को देख रहे हैं वो इस बेटी की मदद जरूर कीजिए। साथ ही इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को अभी सब्सक्राइब कीजिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।